दोस्तों वेलकम बैक ऑन सतपाल फॉर यू चैनल। आज का टॉपिक बहुत कमाल का है। अक्सर ऐसा होता है जब भी किसी का मन करे लोग बिना पूछे हमें फेसबुक पर टैग कर देते हैं। कई सालों पहले मुझे भी किसी ने टैग कर दिया था। मज़े की बात ये थी, मैं यहाँ मुंबई में बैठकर इसे फेसबुक पर पढ़ रहा था और उसने टैग किया था इंडिया के किसी दूसरे स्टेट से। मैं सोच में पड़ गया। उसने लिखा था, आई एम विद सतपाल सिंह एंड फॉर्टनर अदर साहब। ये तो मेरा फ्रेंड था, ठीक है, लेकिन इन फॉर्टनर लोगों को मैं जानता तक नहीं था। खैर, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने फेसबुक आईडी को टैग करने से बचा सकते हैं और जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ कभी ना हो। और जब भी कोई टैग करने की कोशिश करेगा तो पहले आपको रिव्यू के लिए नोटिफिकेशन आएगा और जब तक आप उसे अप्रूव नहीं करते वो तब तक आपके टाइमलाइन पर नहीं दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप फेसबुक टैगिंग को खुद ही कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों मेरा नाम है सतपाल सिंह, आपका स्वागत है सतपाल फॉर यू चैनल पर, जिसका मकसद ही आपको जागरूक नागरिक बनाना है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं फेसबुक के मेन पेज पर, आइए शुरू करते हैं। टॉप राइट में 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। ये आपको ले आएगा मेन्यू ऑप्शन में। मेन्यू ऑप्शन में नीचे सर्च करना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, उसे क्लिक करना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आपको सेटिंग्स ऑप्शन दिखेगा नीचे, उसके एग्जैक्टली उसके नीचे ही है। नेक्स्ट आपको ले आएगा अकाउंट सेटिंग्स में। स्क्रॉल डाउन करके आपको आना है टाइमलाइन एंड टैगिंग ऑप्शन सर्च करके उसे क्लिक करना है। ये आपको ले आएगा टाइमलाइन एंड टैगिंग में। अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ से। फर्स्ट ऑप्शन है टाइमलाइन, हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन। आपके टाइमलाइन में कौन पोस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स है तो आप चाहते हैं कोई भी आपके टाइमलाइन पे पोस्ट ना करे तो इसे ओनली में सिलेक्ट करके बैक कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, ओनली मी। नेक्स्ट ऑप्शन है हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन। आपके टाइमलाइन पे जब पोस्ट किया जाता है दूसरा और कौन देख सकता है उसे। यहाँ पर फ्रेंड्स है, अगर चाहे आप तो इसे सी मोर क्लिक करके ओनली मी कर लीजिए। यहाँ भी दूसरा कोई अगर आपके टाइमलाइन पर पोस्ट करता है तो और कोई देख नहीं पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरेज। यहाँ पर आप जो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं अपने टाइमलाइन में, तो ये ऑप्शन अगर ऑन है तो इसका मतलब ये है कि आपके पोस्ट जो है वो दूसरा कोई अपने टाइमलाइन पर शेयर कर सकता है। अगर आप ये चाहें तो इसमें जाकर इसे भी ऑफ कर लीजिए ताकि कोई आपका पोस्ट भी शेयर ना कर सके, अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं इस केस में तो। नेक्स्ट है टैगिंग। टैगिंग में हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग्ड इन योर टाइमलाइन। जो पोस्ट आपके टैग किए हुए आपके टाइमलाइन पर शेयर होते हैं तो वो कौन देख पाएगा। इसमें फ्रेंड्स हैं तो आप चाहें तो सी मोर में जाके ओनली में ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर फ्रेंड्स हैं तो इसका मतलब ये होगा जब आप अप्रूव करेंगे आगे चल के तो आपके फ्रेंड्स ये टाइमलाइन पे पोस्ट देख पाएंगे जो टैग होगा आपका नाम जिसमें। नेक्स्ट है व्हेन यू आर टैग्ड इन ए पोस्ट हु डू यू वांट टू ऐड टू द ऑडियंस ऑफ द पोस्ट इफ दे कांट ऑलरेडी सी इट। इसका मतलब ये है कि जब आपका टैग हो जाएगा तो आप ऑडियंस में किसको देख आप चाहेंगे कौन देखे या कौन ना देखे ऑडियंस में, तो किसको ऐड करना चाहेंगे तो उसमें फ्रेंड्स कर दीजिए या फिर आप ओनली मी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अप्रूव किया होगा तो आपके कंट्रोल में रहेगा, तो फ्रेंड्स भी रखेंगे तो आपके कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिव्यू। रिव्यू में रिव्यू टैग्स पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग्स अपीयर ऑन फेसबुक, इसे ऑन कर दीजिए क्लिक करके। नेक्स्ट ऑप्शन है रिव्यू पोस्ट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर्स ऑन योर टाइमलाइन। इसका मतलब है जब रिव्यू के लिए आएगा आपके पास, जो भी आपका फेसबुक का पोस्ट टैग करेगा अपनी टैग में आपका टाइमलाइन में डालेगा आपका नाम, तो वो इसमें आपको रिव्यू के लिए आ जाएगा। तो अब यहाँ रिव्यू टैग्स पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर्स ऑन फेसबुक, तो आपका आपका आपको टैग किया हुआ और आपको कोई भी टैग करेगा उसके पहले ही रिव्यू के लिए आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली कोई टैग कर ही नहीं पाएगा जब तक आप उसे अप्रूव नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था टाइमलाइन एंड टैगिंग का ऑप्शन, जहाँ पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा आपके फेसबुक प्रोफाइल पर।
तो दोस्तों ये था डैगिंग को रोकने और पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखने का तरीका। अब आप जान चुके हैं इसे कैसे अपने फेसबुक प्रोफाइल पर सेट करना है। आपने अगर मेरे पहले के फेसबुक टॉपिक्स पर बने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं, आपने वो भी देख लिए तो अमूमन आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख सकेंगे। अगर आपको इसी तरह के सोशल सिक्योरिटी इश्यूज पर और भी वीडियोस देखने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद।